नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम सूजी की बर्फी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। तो इसके लिए हमें सूजी ली है, शुगर, नारियल, काजू, बादाम और ये घी। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। गैस के पैन रखेंगे और गैस को तेज फ्लेम में चालू कर देंगे। गैस को जला दिया है और उसमें घी ऐड करेंगे और सूजी डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। सूजी को, सूजी भून चुकी है, गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर से और चलाएंगे, क्योंकि हमारा पैन जो है गर्म है, थोड़ी देर और चलाएंगे ठंडा होने तक। और इसे पलट देंगे और शुगर डाल देंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, कम ज्यादा। पानी डालेंगे, आधी गिलास पानी डाल रहे हैं और गैस पे जलाएंगे और इसे अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। ये चाशनी पक चुकी है, चाशनी को इतना ही पकाना है, इसमें दाग नहीं उठनी चाहिए। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। नारियल डालेंगे, यहीं पे नारियल डालना बहुत जरूरी है, नारियल से इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। और गैस को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे सूजी, अच्छे से चलाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारी बर्फी जमने के लिए तैयार है। देखिए अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसे एक लगी थाली में डाल देंगे। काजू डाल देंगे, बादाम डाल देंगे, तो इसको इस तरीके से चम्मच से कर देंगे ताकि इसमें बिल्कुल अच्छे से ये चिपक जाए। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें कट लगा देंगे। कट लगा करके तैयार कर दिया है, अब हम इसके पीसेस निकाल कर इसे सर्व करेंगे। ये बर्फी को सर्व कर दिया है, बनाने में बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।